टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टडी इन यूएस एसलामकुम दिस इज अफ्तार फ्रॉम अपमार्क एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टडी इन यू एस ए लाइक देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि जिनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वैन इट कम्स टू स्टडी अब्रॉड वेन इट्स कम टू गेटिंग हायर डिग्री फ्रॉम यू नो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन सो दे प्रेफर टू स्टडी इन यू एस ए बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई जो है एलिजिबल नहीं हो रहा होता अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी आपके अकेडमिक्स की नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम योर अकाडामिक्स देयर आर मेनी फैक्टर एज वेल जो के असेस होते हैं लाइक योर फाइनेंशियल योर टाइज उसमें आपके फाइनेंशियल टाइज आ जाते हैं और डिफरेंट तरह के और टाइज भी आ जाते हैं जिनकी असेसमेंट होती है उसके अलावा आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है Uh, पूरे आपके यूएसए प्रोसेस में आपके फन वीज़ा प्रोसेस में सो so, uh, इनको थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं इस वीडियो में सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ यू uh, में जब आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो वहाँ से आई ट्वेंटी लाइक स्पॉन्सरशिप लेटर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है देर आर मेनी इवन जो मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको इवन विदाउट एनी इनिशियल डिपॉजिट विदाउट एनी इनिशियल फी आपको आई ट्वेंटी दे देती है एंड वट इज आई ट्वेंटी आई ट्वेंटी इज योर स्पॉन्सरशिप लेटर जिसके बेसिस पे ऑब्वियसली आप आगे वीजा एप्लीकेशन अपना लॉन्च करते हैं एनी वेज यू एस ए से आई ट्वेंटी लेना कोई बड़ी बात नहीं है आपको हर यूनिवर्सिटी तकरीबन जो है ना वो दे देती है अच्छा ऑब्वियसली उनकी जो आप अकेडेमिक रिक्वायरमेंट मीट करेंगे इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट करेंगे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करेंगे तब भी आई ट्वेंटी मिलेगा बट ये कोई इतनी कोई वो आ, 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 ऐसी कोई वो बात नहीं है कि आ, कि ना मिल सके या आ, बहुत यूनिवर्सिटीज चूजी हों उनकी मिनिमल जो रिक्वायरमेंट है जो उनकी एक एवरेज रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके वो दे देते कि मैं आपको मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज की बता रही हूँ आई वी ली स्कूल्स जो हैं प्लस जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इससे एग्जाम करके एनी वेज बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है uh, हमने डेफिनेटली बात सुनी होगी कि यू uh, का जो वीज़ा रेशो है पाकिस्तान से वो अच्छा नहीं है उसकी रीज़न क्या है हमने अब यूनिवर्सिटी की तरफ से आई ट्वेंटी आ गया बट ऐसी कौन सी रीज़न है कि बच्चों को फिर भी जो है वो वीज़ा इशू नहीं होता ऑब्वियसली uh, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि यूएसए में सिर्फ जो आपकी जो आपके असेसमेंट का क्राइटेरिया है जो जिन फैक्टर्स पे आपकी असेसमेंट होती है वो सिर्फ आपके अकाडामीज नहीं है लाइक ये नहीं है कि अगर आपने मास्टर्स में जाना है तो आपने बैचलर्स कम्प्लीट किया हुआ है तो बस ठीक है दैट्स एट ओके नाउ आई एम एलिजिबल एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इन यू एस मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी जब अगर आप यू प्लान करते हैं तो एक अपना काउंसलिंग सेशन जरूर बुक करवाया करें किसी ट्रेंड काउंसलर से जिसकी जिसको एक अच्छी जो है इंफॉर्मेशन हो जो कि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके कि क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है अच्छा अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या आ गई आपकी जो ऑब्वियसली आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट ये तो हो ही अच्छा इसके अलावा जो इन सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट uh, है या प्रोमिनेंट आप कह लें फैक्टर है वो आपके टाइज है ठीक है ये फैक्ट ये तो है ही है ये तो ऑब्वियसली जब भी आपने किसी भी जगह पर एडमिशन लेना है ये तो किसी भी कंट्री के लिए ये तो होते ही होते हैं बट आपके टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तीन चीजें कंप्लीट करके आपको आई ट्वेंटी तो मिल जाना है बट वेन इट कम्स टू गेटिंग वीजा वहां पे आपको प्रॉब्लम आनी है अगर आपके टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है अब आपके टाइज क्या होते हैं थोड़ा तो सा अगर मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँ आपके टाइज में आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल टाइज ठीक है कि आपकी आपके स्पॉन्सर की कितनी इनकम है और उस पर कितने डिपेंडेंट्स है और ये सारे फैक्टर्स ठीक है उसके बाद आपके फैमिली टाइज क्या आपकी फैमिली की जो एक आपस में कनेक्टिविटी इस तरह की है कि आप वापस आएंगे या तो आप बस यहाँ से जाकर पाकिस्तान वापस नहीं आने वाले उसके अलावा आपके सोशल टाइज उसके अलावा आपके इकोनॉमिक टाइज उसके अलावा आपकी पोलिटिकल टाइज अगर अभी पाकिस्तान के हालात देखें तो ऑब्वियसली पोलिटिकली एंड इकनॉमिकली वी आर नॉट स्टेबल सो ऑब्वियसली ये टाइज हमारे इस टाइम वीक है बट यहाँ पे मैं एक और बात मैंशन कर दूँ अगर आपके फाइनेंशियल टाइज और आपके जो फैमिली टाइज स्ट्रॉग है तो ये जो आपकी बाकी दो टाइज हैं लाइक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वो फिर उनकी वेटेज कम हो जाती है सही है दे uh, अज्यूम के भाई ठीक है फैमिली वाइज uh, जो है ही और शे इज स्ट्रॉन्ग सो ठीक है वी एज्यूम के ये वापिस आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अब आपने अपने टाइज सारे जो करती है डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए उसके बाद आपने जो है अपनी ऑब्वियसली सारी रिक्वायरमेंट भी मीट कर दी इसके अलावा इसके अलावा भी एक बड़ा ही प्रोमिनेंट फैक्टर है जो कि आपका वैल्युएट होता है या जिसकी ओवरऑल वेटिज होती है आपके F1 में एंड दैट इज योर

सम uh, क्वेश्चन जो कि वो सब स्टूडेंट्स से करते ही करते हैं बट उनका ऐसा कोई ऐसा सच कोई बेंच मार्क नहीं है कि भाई इन्हीं ट्वेंटी क्वेश्चन में से जो है ना उन्होंने उन, क्वेश्चन करने हैं ये केस टू केस वेरी कर रहा होता है ठीक है अच्छा उसके अलावा हार्डली uh, बहुत भी ज्यादा हो ना ये मैं 95 परसेंट स्टूडेंट के हिसाब से बता रही हूँ हार्डली हार्डली फाइव मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू नहीं होता फाइव टेन मिनट्स अच्छा इन सम केसेस वो इससे ज़्यादा देर का भी ले सकते हैं दे डू हैव राइट कि वो आपसे एक घंटे का इंटरव्यू ले लें वो आपसे पचास क्वेश्चंस कर लें सौ कर लें ये तो खैर एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं आ, अगर हम इसको एवरेज देख लें या एक आ, आ, जो मेजॉरिटी जिनकी प्रैक्टिस है उस हिसाब तो से देख लें तो पाँच दस मिनट से ज़्यादा का आपका इंटरव्यू नहीं होता ठीक है अच्छा उसमें आपके वैल्यूएशन उन्होंने करनी है उसके अलावा ये सिर्फ वो जो क्वेश्चन पूछने उस टाइम तो आपके अवैलिएशन होनी होनी उससे पहले जब आप वेट कर रहे होते हैं वहाँ पे अपने टर्न का उस टाइम पे भी एक आपके अवैलिएशन हो रही होती है आपके पेशेंट्स का टेस्ट किया जा रहा होता है खैर ये एक वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगी जहाँ पे मैं यूएसए एस का जो इंटरव्यू है वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगी तो उसमें ये भी सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी वापस आते हैं कि कौन से प्रोमिनेंट फैक्टर्स थे जिन पे आपकी असेसमेंट होती है यूएसए uh, में व्हेन यू आर अप्लाइंग एफ वन वीजा हमने पहले अब ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट तो ये तो एक है मतलब रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी करनी है एकेडमिक रिक्वायरमेंट इंग्लिश रिक्वायरमेंट और जो यूनिवर्सिटी के से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई कुछ यूनिवर्सिटीज लाइक देयर आर ओनली फ्यू यूनिवर्सिटीज जो कि दो से चार हजार इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं 95 परसेंट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल जो है ना वो आपकी लाइक टू फिफ्टी डॉलर जो उनकी वो है एडमिन फी वो उस पर आपको आई ट्वेंटी दे देती है उसके अलावा ये उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है इसके अलावा जब आपने आई ट्वेंटी रिक्वेस्ट करना है तो उस टाइम आपने अपने पूरे एक साल के जो फंड्स हैं वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करने होते हैं सो लाइक बैंक स्टेटमेंट भी आपने प्रोवाइड करनी है तो हो आ, आ, ये आपकी होगी ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी और एक तो हमने देख ली कि रिक्वायरमेंट पूरी होनी 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 अपार्ट फ्रॉम योर रिक्वायरमेंट्स आपके टाइज और आपका जो एम्बेसी में आपकी अपेयरेंस है या आप कह लेके जो आपने अपेयर होना है वो बहुत मैटर करता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है अच्छा ये तो हो गई कि हाउ यू विल असेस अब बात करते हैं किस तरह के बच्चों को अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे मैंने अभी ये बात एक आ, की है कि आ, अगर तो आपके दो टाइज लाइक फाइनेंशियल और फैमिली टाइज स्ट्रॉग है तो बाकियों की वेटेज कम हो जाती है अब ये चीज होती है चीजों को बैलेंस करना ठीक है अच्छा अब ये नहीं है अब मैं एक दो आपको केस ये कह लें कि केस स्टडी जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए लेट्स से हम देख लेते हैं एक बच्चा उसने इंटरमीडिएट किया हुआ है प्लस उसका टू इयर्स का गैप है प्लस उसके फोर्टी फाइव परसेंट है और वो कह रहा है मैंने यूएसए जाना है फैमिली टाइज अगर फैमिली स्पॉन्सरशिप के उसे क्वेश्चन पूछे जाए तो उसकी जो फादर हैं वो हार्डली थर्टी थर्टी तो खैर नहीं फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ जो एंड कर रहे हैं प्लस तीन चार डिपेंडेंट्स हो रहे हैं उनके फादर के ऊपर तो इस तरह की प्रोफाइल अब बिग नो ठीक है अनलेस अनटिल उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग ना हो उसके अलावा ऑब्वियसली ट्रैवल हिस्ट्री तब भी होगी जब उसके साथ उसकी अगर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग है ना तो उसकी जो ये फाइनेंशियल टाइज है वो भी स्ट्रॉन्ग ही होंगे खैर अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर दूँ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा मैटर करती है बहुत ज्यादा मैटर करती है अच्छा अब आ जाते हैं एक ये केस स्टडी हो गया इसके अलावा अगर दूसरे केस स्टडी को देख लें कि भाई एक स्टूडेंट है आपका उसकी फिफ्टी परसेंट है इंटरमीडिएट किया हुआ है अच्छा उसके साथ उसकी लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है उसने कहीं Uh, अपने समर वेकेशन में जो है ना टिल हाई स्कूल उसने जो है ना काफ़ी ज़्यादा uh, जो है वो वॉल्टियर वर्क भी किया हुआ है फिर उसके बाद uh, उसने uh, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसने दो तीन कंट्रीज के विजिट भी किए हुए हैं अब ये प्रोफाइल कंसिडरेबल है ठीक है और देर आर गुड चांसेस के इसको वीजा भी इशू हो जाएगा ठीक है आई हैव नो आइडिया के लोग किस से तरह से सेस करते हैं बट आ, अगर मैं यू एस ए की आ, स्पेशली काउंसलिंग करूँ तो मैं उसकी काउंसलिंग करती हूँ एमबेसी के हिसाब से मुझे पता है यूनिवर्सिटी में तो स्पॉन्सरशिप लेटर दे ही देना है तो अगर तो बच्चा ऑब्वियसली एमबेसी में अपेयर होने के काबिल है काबिल मीन्स कि उसकी ओवरऑल सब चीज़ों को अवेल्युएट करके अगर देखा जाए तो आ, उसके अगर अगर अच्छे चांसेस हैं तभी मैं उसको रिकमेंड करती हूँ यूएसए अप्लाई करने का अदरवाइज आप बिगनो हमने अब तक दो केस स्टडीज देख ली हैं एक जो है वो बिल्कुल ही गैप के साथ और लो परसेंटेज और विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री एंड यू नो अदर एक्टिविटीज तो वो तो बिग नो उसके अलावा दूसरी हमने देखी कि जिसकी बेशक उसने इंटरमीडिएट किया हुआ था बट उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी प्लस को करिकुलर एक्टिविटी एक्टिविटीज uh, थी तो वो तो कंसिडरेबल है अच्छा यहाँ पे अब इसको थोड़ा और एग्जेजरेट करके देख लेते हैं अब वो लेट्स अगर तो उसकी करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी हैं या तो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री इन दोनों में इसको एक चीज हो तब भी कंसिडरेबल uh, है इसी तरह से अगर हम बात कर लें अब ऑब्वियसली अगर एक स्टूडेंट है उसने उसका जो हाई स्कूल लाइक जो उसने ए लेवल्स किया हुआ है सही है ग्रेड्स भी अच्छे हैं प्लस उसके एस में स्कोर भी अच्छे हैं ठीक है प्लस उसने जो है उसकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत स्ट्रॉग है वॉल्टियर भी बहुत वॉल्टियर वर्क भी उसने किया हुआ है प्लस ट्रैवल हिस्ट्री डेफिनेटली उसकी है आ, ये एक्चुअल ये प्रोफाइल है जिनको अप्लाई करना चाहिए यू एस ए हाँ इंटरमीडिएट के साथ मैंने आपको बता दिया अगर आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट है तो उसमें फिर आपके अदर फैक्टर्स भी देखेंगे कि भाई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी जो बाकी एक्टिविटीज है वो किस लेवल की हैं और कितने टाइम की हैं एंड ऑल है ये केस टू केस वेरी करता है अच्छा अब आ जाते हैं कि जो, जो लास्ट प्रोफाइल को हमने देखा कि ये एक्चुअल ये प्रोफाइल है जिनको अप्लाई करना चाहिए जिनकी जो रिस्क है ना वीज़ा रिफ्यूजल के वो बहुत कम होते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं ये अपनी अगर राय दूं या अपनी एक सजेशन दूं तो मैं यही दूंगी कि ऑब्वियसली जब भी आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले ये वैल्यूशन करानी है एमबेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई क्या मैं एमबेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ अगर तो वहाँ पर आप मिनिमम रिफ्यूजल रिस्क आ रहा है ना तब तो ठीक है तब तो ऑब्वियसली आप अप्लाई करें डेफिनेटली करें अगर हाई रिस्क में आप आ रहे हैं ना तब आई एल नॉट रिकमेंड इसके अलावा uh, एक और बात कि जब लेट से आपने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट सॉरी कंट्रीज शॉर्ट लिस्ट की हैं फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यू एस एंड सेकेंड कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया है तब तो आपने बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन लेना है तब ऐसे नहीं है कि बस आई सी के मैं मैं यू एस ए का जो मेरा वीजा इशू होता है कि नहीं होता ये वाला काम नहीं करना क्योंकि फिर क्योंकि इन तीनों की असेसमेंट ऑलमोस्ट सेम तरीके से होती है ठीक है और ये अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री की जो एक दूसरे की एक्सेस भी है फिर वो बाद में अगर आपकी सेकेंड प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया होगी तो फिर ऑस्ट्रेलिया में आपको सी लेने में प्रॉब्लम आएगी सो so, ये भी एक बड़ी कैलकुलेटेड चीज कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए अगर तो आप इन तीनों में से किसी एक कंट्री में जाना चाहते हैं और दो या तीन कंट्रीज को आपने जो है शॉर्टलिस्ट किया हुआ है सो आई होप कि आपको समझ में आया हो uh, कि एक्चुअल में यूएसए एस ए में जब आपने अप्लाई करना है तो किन फैक्टर्स को देखना है और आपका एफ वीजा किन चीज़ों पर वैल्यूएट होता है अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एफ वन वीज़ा रिलेटेड टू यू एस तो यू कैन कांटेक्ट अस उसके अलावा uh, आप हमें सोशल मीडिया हैंडलर्स पे भी डेफिनेटली कांटेक्ट uh, कर सकते हैं